Hello everyone, welcome to class number 59 of the chapter Programming using C++. So, आज के class का हमारा discussion का topic है memory allocation for objects. तो आज के class में हम देखेंगे कि objects जब भी हम declare करते हैं वो memory allocate कैसे करता है, उस topic के बारे में आज हम discuss करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं discussion. So, object हम create कब करते हैं? तो object create करने से पहले first हमें क्या create करना पड़ता है, first हमें क्या define करना पड़ता है, class. Once a class is defined, it can be used to create variables of its type known as object. जैसे कि कोई data type को use करके हम variables declare करते हैं, वैसे ही एक particular class को define करने के बाद या फिर create करने के बाद उस particular class के name को use करके main function के अंदर हम जो variable create करते हैं, उस variable को हम बोलते हैं उस particular class का object. Okay. The relation between an object and a class is the same as that of variable and its data type. जैसे कि एक data type को use करके हम variables को declare करते हैं, data type और variable के बीच जिस तरह का relation है, class and object के बीच भी उसी तरह का relation है. जैसे कि C programming language में पढ़ते वक्त हमने structure के बारे में पढ़ा होगा. तो structure जबकि एक user defined data type है, तो पहले user defined data type structure को हम define करते हैं. Define करने के बाद उस data type को use करके variable declare करते हैं. वैसे ही क्लास भी एक तरह का यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको हम पहले डिफाइन करते हैं. डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर वही सेम क्लास का हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे कि हम कैसे एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं. फर्स्ट हम क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास को, डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास को. पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं. ओके, नॉर्मली जैसे वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जैसा है, सिमिलरली क्लास का कॉन्सेप्ट भी उसके साथ थोड़ा बहुत सिमिलर है. तो एक पर्टिकुलर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करते वक्त, डेफिनेशन करते वक्त उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, उसी वक्त ही हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं. ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होता है. सिमिलरली एक पर्टिकुलर क्लास को भी जब हम डिफाइन करते हैं, क्लास को डिफाइन करते वक्त ही हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं. मतलब जैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट करते वक्त, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते वक्त, डिफाइन करने के बाद ही तुरंत वहीं पे ही हम जैसे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाते थे, वैसे ही एक पर्टिकुलर क्लास को भी क्रिएट करने के बाद, डिफाइन करने के बाद तुरंत वहीं पे ही हम क्या कर सकते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. मतलब पहले हमने ये एक तरीका देखा कि जैसे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल, पहले हम स्ट्रक्चर डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर उसको हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. नॉर्मल डाटा टाइप यूज करके वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते हैं उस तरह से. दूसरा तरीका यह है कि जैसे कि एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद तुरंत ही वहां पे स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन करने के बाद तुरंत वहीं पे ही उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लास, क्लास नेम, क्लास के अंदर जो भी हमें रिप्रेजेंट करना है, डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस, डिक्लेयर करने के बाद, डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे ही डिक्लेयर कर दिया उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को. ओके, तो ये तो हमने देखा कि दो तरीके से हम कैसे एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे कि मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं उसके लिए हमारे कंप्यूटर मेमोरी में मेमोरी कैसे एलोकेट होता है, मेमोरी कैसे रिजर्व होता है. बिफोर यूजिंग ए मेंबर ऑफ ए क्लास, इट इज नेसेसरी टू एलोकेट द रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस टू दैट मेंबर. जब भी हम कोई पर्टिकुलर क्लास के कोई भी मेंबर को प्रोग्राम में यूज करते हैं, यूज करने से पहले ये जरूरी है कि उन मेंबर्स के लिए, चाहे वो डाटा मेंबर हो या फिर मेंबर फंक्शन हो, उनके लिए मेमोरी स्पेस में स्पेस पहले हम रिजर्व करें, तब जाके उनको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करें. ये नेसेसरी है, ये जरूरी है. तो जैसे कि हम जानते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन बोथ होता है, बट डाटा मेंबर के लिए मेमोरी स्पेस रिजर्व करने का तरीका एंड मेंबर फंक्शन के लिए मेमोरी स्पेस रिजर्व करने का तरीका अलग होता है, जबकि दोनों एक ही क्लास के अंदर होते हैं फिर भी. ओके, वही लिखा है, द वे द मेमोरी स्पेस फॉर डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज एलोकेटेड इज डिफरेंट. मतलब डाटा मेंबर्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करना और मेंबर फंक्शन के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करना दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं,
जबकि दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं फिर भी. ओके तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एक डाटा मेंबर के लिए मेमोरी स्पेस कैसे एलोकेट होता है जब भी हम एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. तो द मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू द डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज डिक्लेयर्ड. एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तब जाके उस पर्टिकुलर क्लास में जो भी डाटा मेंबर्स हैं उनके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है, और जब तक हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तब तक वो डाटा मेंबर्स के लिए मेमोरी में कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं करता या फिर रिजर्व नहीं करता. वही लिखा है, द मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू द डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज डिक्लेयर. जब हम एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तब जाके वो उस पर्टिकुलर क्लास के डाटा मेंबर के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा. And not when the data member are declared inside the class. Class के अंदर से data member को अगर हम declare कर देते हैं तो तब वो कोई भी memory space allocate नहीं करता उन data members के लिए. उन data members के लिए memory space कब allocate करता है? जब हम उस particular class के object को declare करते हैं या फिर create करते हैं तो. Since a single data member can have different values, जैसे कि एक particular class के more than one object हो सकते हैं और हर एक object का अपना अलग अलग values हो सकता है. अलग अलग values को हम सेम डाटा मेंबर यूज करके अलग अलग ऑब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं. तो एक ही मेमोरी लोकेशन में मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को स्टोर करके रखना इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए जबकि हम एक पर्टिकुलर डाटा मेंबर के लिए मेमोरी स्पेस कब एलोकेट करते हैं, जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं. तो जितना ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करेंगे उतना तो अलग अलग बार या फिर अलग अलग टाइम में क्या करेगा वो, उतना बार वो क्या करेगा, उन डाटा मेंबर्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा. सिंस ए सिंगल डाटा मेंबर कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक सिंगल डाटा मेंबर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं सेम ही टाइम में. तो इसीलिए जब भी हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उस पर्टिकुलर क्लास में जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उन डाटा मेंबर्स को अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता है. ओके जैसे कि सपोज मैंने एक क्लास क्रिएट किया बुक. ओके तो वहां पे उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सपोज बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, तीन ऑब्जेक्ट है. और इस पर्टिकुलर क्लास का डाटा मेंबर सपोज है टाइटल एंड ऑथर. ओके ये दो उस पर्टिकुलर क्लास का डाटा मेंबर है. तो इसके लिए फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया बुक वन, तो उसके लिए वो क्या करेगा, टाइटल एंड ऑथर के लिए अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा. ये टाइटल एंड ऑथर ऑथर के लिए अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा. ये टाइटल एंड ऑथर के लिए अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा. मतलब सेम डाटा मेंबर के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं. तो यहाँ पे हमने ये चीज सीखा कि एक पर्टिकुलर क्लास में डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का मेमोरी एलोकेशन मेथड अलग है. एक डाटा मेंबर मेमोरी स्पेस तब एलोकेट करता है जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, और अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है. इतना हमने समझा. ऑन द अदर हैंड अभी हम आते हैं मेंबर फंक्शन कैसे मेमोरी एलोकेट करता है उसको जानने के लिए. ऑन द अदर हैंड द मेमोरी स्पेस फॉर द मेंबर फंक्शन इज एलोकेटेड ओनली वंस व्हेन द क्लास इज डिफाइंड. जैसे कि एक पर्टिकुलर डाटा मेंबर के लिए मेमोरी स्पेस कब एलोकेट होता था, जब हम उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते थे और अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता था. बट मेंबर फंक्शन कब मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, जब हम उसको क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तब. ओके द मेमोरी स्पेस फॉर द मेंबर फंक्शन इज एलोकेटेड ओनली वंस व्हेन द क्लास इज डिफाइंड. जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं उसी वक्त ही मेंबर फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है. ओके और जितना भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर ले सारे ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी जो हमारा मेंबर फंक्शन है वो मेमोरी फंक्शन सेम मेमोरी स्पेस ही एलोकेट करता है. इन अदर वर्ड्स देयर इज ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ ईच मेंबर फंक्शन व्हिच इज शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट. जैसे कि सपोज मैंने बुक क्लास का तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, तो उसके लिए जैसे कि हम अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करते थे डाटा मेंबर्स के लिए, मेंबर फंक्शन के लिए हम अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं करते. जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम एक ही बार क्या करते हैं, मेंबर फंक्शंस के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं. ओके फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन के मेमोरी एलोकेशन वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द थ्री ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एक पर्टिकुलर क्लास है बुक जिसका तीन ऑब्जेक्ट मैंने लिया बुक वन, बुक टू एंड बुक थ्री.
ओके ये तीन ऑब्जेक्ट हैं बुक वन बुक टू एंड बुक थ्री, किस क्लास का? बुक क्लास का। तो अगर हम इनके लिए डाटा मेंबर के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करें तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअल कॉपीज ऑफ डाटा मेंबर टाइटल एंड प्राइस। सो सपोज मेरा डाटा मेंबर क्या है, टाइटल एंड प्राइस, तो बुक क्लास का जो डाटा मेंबर टाइटल एंड प्राइस है वो बुक वन के लिए अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, बुक टू के लिए अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, बुक थ्री के लिए अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। बट हाउएवर देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ द मेंबर फंक्शन, बट मेंबर फंक्शन के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो सिर्फ एक ही मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। जैसे कि गेट डाटा के लिए एक मेमोरी स्पेस, पुट डाटा के लिए एक मेमोरी स्पेस, जो कि सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होगा। ओके जैसे कि आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको देखोगे तो ज्यादा आसान तरीके से समझ सकोगे। तो जैसे कि बुक एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है बुक वन और एक ऑब्जेक्ट है बुक टू और एक ऑब्जेक्ट है बुक थ्री। ओके बुक वन में जितने भी डाटा मेंबर्स हैं जैसे कि टाइटल एंड प्राइस, उसके लिए ये अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहा है। इस ये जो टाइटल एंड प्राइस के लिए डाटा मेंबर के लिए बुक टू अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहा है और बुक थ्री अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहा है। मतलब डाटा मेंबर्स के लिए हर एक ऑब्जेक्ट अपना अपना अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। बट जो मेंबर फंक्शन है, गेट डाटा एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, पुट डाटा एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, और वही सेम फंक्शन में जो सेम फंक्शन है वही सेम फंक्शन को सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, शेयर करके यूज करते हैं। अलग अलग मेमोरी स्पेस हम एलोकेट नहीं करते मेंबर फंक्शंस के लिए। तो आज के क्लास में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर क्लास में जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं सारे डाटा मेंबर्स के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं। बट मेंबर फंक्शन जो है, मेंबर फंक्शन सिर्फ एक ही बार मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है और जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें सारे ऑब्जेक्ट्स वही सेम जो हमारा मेमोरी स्पेस एलोकेट किया है हमने मेंबर फंक्शन के लिए, वही सेम मेंबर फंक्शन को सब शेयर करके यूज करते हैं। ओके तो आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।